राधे राधे मित्रों, आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं गंगा सप्तमी की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं गंगा सप्तमी की कथा। ऐसी मान्यता है कि माँ गंगा का प्रादुर्भाव भगवान श्री विष्णु के चरणों से हुआ था। उसके पश्चात जब कपिल मुनि के श्राप से सूर्यवंशी राजा सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए, तब राजा सगर के वंशज भगीरथ ने माँ गंगा की घोर तपस्या की। भगीरथ ने अपनी कठिन तपस्या से माँ गंगा को प्रसन्न किया और उन्हें धरती पर आने के लिए मना लिया। लेकिन माँ गंगा का वेग इतना अधिक था कि यदि वे सीधे स्वर्ग से धरती पर आती तो अपने वेग के कारण वे पाताल चली जाती। अतः इस वेग को कम करने के लिए सभी ने भगवान शिव से आराधना की और भगवान शिव ने अपनी जटाओं में माँ गंगा को स्थान दिया। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि थी। इसके पश्चात माँ गंगा के स्पर्श मात्र से सूर्यवंशी राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हो गया। अतः माँ गंगा इनकी मोक्षदायिनी बनी। तो जिस दिन भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा जी को स्थान दिया उसे ही गंगा सप्तमी कहा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि को ही क्रोध में आकर महर्षि जनु ने गंगा जी को पी लिया। इसके पश्चात भगीरथ आदि राजाओं और अन्य लोगों द्वारा प्रार्थना करने पर महर्षि जनु ने अपने दाहिने कान के छिद्र से बाहर निकाला। अतः जनु की कन्या होने के कारण ही गंगा जी को जाह्नवी भी कहा जाता है। तो ये थी गंगा सप्तमी की कथा। नमो नारायण।